हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हम यहाँ बना रहे हैं ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी यानी आईएएस की शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के बारे में पता नहीं। यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिविल सर्विस एग्जाम। यूपीएससी जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट कराती है लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में और जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो बैठते हैं एग्जाम में वो है सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो शुरू करना चाहते हैं उनसे उनके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो रखा गया है। तो देखते हैं आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को बता दूँ कि यूपीएससी है क्या। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसका बेसिकली फंक्शन जो है कई सारे एग्जाम्स जो है ए ग्रेड की कंडक्ट कराना होता है, और वो जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो अलग अलग जैसे सिविल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, तो बहुत सारे और भी कई एग्जाम। लेकिन आज हमारा फोकस जो है, आज हम जो बताने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करे वो दे सकते, क्योंकि सब जैसा कि आज का ट्रेंड है सभी का कि सभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं। सबको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वो भी, और इस सभी ने अवेयरनेस जो है बहुत सारा बढ़ा भी दिया है। बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन देखकर गाँव गाँव तक पहुँच जाती है, आईपीएस सभी को बनना है, आईएएस सभी को बनना है, पर करना कैसे है, शुरू कैसे करेंगे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, इन क्वेश्चन में जैसे कुछ पूछा गया है कि सिविल सर्विस एग्जाम क्या होता है, ये कौन कौन से एग्जाम जैसे इसको कनेक्ट कराती है, इसकी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर है। स्नातक पास, रेलवे परीक्षा एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस, नेशनल डिफेंस एनडीए हो गया, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विसेज ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस है, आईपीएस है, ऐसे कई एग्जाम है जो कंडक्ट कराते हैं। क्वेश्चन जो स्टूडेंट के आए हैं या बच्चों के हैं वो क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिविल सर्विस एग्जाम है क्या, उसकी तैयारी अगर हम शुरुआत करना चाहें, एक बच्चा करना चाहता है 12th के बाद 10th के बाद जाएगी, तो ये बहुत से गार्जियन के फोन आते हैं 10th के बाद या फोन आते हैं 12th के बाद करना है, तो एक सही उम्र प्रिपरेशन करने की क्या, सही उम्र तैयारी की क्या होनी चाहिए, कब से शुरुआत करनी है और कौन ये एग्जाम दे सकता है आपको, जो भी है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग वर्ग है, अलग अलग कास्ट बेसिस पे डिफाइन की गए हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसको कितने मौके मिलते हैं, कितने चांस मिलते हैं, यूपीएससी का एग्जाम जो कंडक्ट होता है इस प्रक्रिया क्या होती है और यूपीएससी की तैयारी किस तरह से करें, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इस विषय के ऊपर हमने गलत से वीडियो डाले के आ सकती है, लेकिन इन सभी विषय के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम आज आपको इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी आपको जैसा कि बताया हमने कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है, यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसका काम है जो भी कैंडिडेट है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट करना, यानी सिलेक्शन का बेसिकली इसका फंक्शन है, सिलेक्ट कैंडिडेट को करना और रिक्रूटमेंट, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कई के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंशियल ऑफिस से आते हैं और कई अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके साथ सैलरी और कई फंक्शन इसके अलग अलग है जो करती है। एक ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, कुछ एक ग्रेड के ऑफिसर होते हैं यूनिट टेरिटरी के, उनको भी ये ध्यान में देकर के रखती है, करती है। एक पूरा कमीशन है जिसका एक अपना चेयरमैन होता है, उसमें और भी कई मेंबर्स होते हैं, तो ये पूरा कमीशन जो उसके रिलेटेड फंक्शन को देख। तैयारी करने की सही उम्र क्या हो, सही उम्र अगर सही बात करें, जैसे अभी जब हम प्रिपरेशन किया करते थे, पहले मैं आपको विश्वास बताऊं कि जब मुझे प्रिपरेशन करना था तो प्रिपरेशन करने के लिए जो सही मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद सही तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए गया, और इलाहाबाद बिलोंग करता हूँ वहाँ पे प्रिपरेशन की, बट सही तरीके से हमने थोड़ा सा लेट किया। आज जो कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि आज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और आने वाली आने वाली जनरेशन में वो इस कॉम्पिटिशन को और बना देती है। जैसे आपने सुना टीना ढाबी है, तो आपने उसने भी बताया कि उसने प्रिपरेशन जो है बेसिकली 8th पास या 9th पास होकर के शुरू कर दिया, उसको गाइडेंस करने के उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग। प्रिपरेशन अगर सही शुरुआत बोले तो बच्चे जो है शुरुआत कर ही रहे हैं, वो एटलीस्ट
टेंथ पास हो जाना चाहिए। टेंथ पास होने के बाद इससे पहले आप बहुत एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, टेंथ के बाद शुरू कर सकते हैं, या ट्वेल्थ के बाद से भी करेंगे तो लेट नहीं। हाँ, दो से तीन तीन साल से प्रिपरेशन की है या टेंथ के बाद से प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिपरेशन करने के लिए बाकी जो आपका हाफ का एजुकेशन है इलेवन ट्वेल्थ और साथ में ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, जहाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, जहाँ मेडिकल पाँच साल चार साल करते हैं, इंजीनियरिंग फोर ईयर करते हैं, ग्रेजुएशन तीन साल करते हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे को वो छोड़ करके पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जो टाइम है ये वो टाइम है जब आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा टाइम आपको निकालना है और वो टाइम निकाल कर आपको इस स्टडी में धीरे धीरे प्रिपरेशन आपको प्रॉपर करना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि आपको एक गाइडेंस अगर मिलता है तो काफ़ी बेहतर होता है। अब वो गाइडेंस आपको हो सकता है या बहुत सारे और बहुत सारे कोचिंग संस्थान है तो चलते हैं आप किन्हीं का साथ लेकर के उनके साथ गाइडेंस कर सकते हैं। कुछ अब तो ऑनलाइन है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाती है। आप सभी स्टूडेंट को एक और बात बता दूं कि सतर्क रहने की आवश्यकता है कि इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन आने का मौका मिला। ऑनलाइन आने में कुछ ऐसे लोग भी ऑनलाइन आ जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन सबको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन भटकाव का भी इस्तेमाल, क्योंकि ऑनलाइन सभी हैं लेकिन उसको गाइड करने वाले तो बहुत सारे खर्च करते हैं, लेकिन आप अगर एक प्रॉपर रास्ता नहीं चुनते तब तक आप सही मंजिल तक नहीं पहुंचते। एक रास्ता जो है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य आप तक पास। तो आपको गाइड करने के लिए कौन सा व्यक्ति खड़ा है, कौन अवेलेबल है, वो प्रॉपर है, वो सही जानता है या नहीं, या फिर आप किसी वीडियो को देख करके मिस गाइड होकर फैसला गलत लेकर गलत और अपना टाइम भी बर्बाद कर। तो सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, वो अगर मिल जाता है सही टाइम पे तो अच्छा है। और टेंथ के बाद से शुरू नॉर्मली कर सकते हैं लेकिन अच्छा है ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन होता है तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में ले जा करके आप अपीयर कर सकते हैं। इसके बाद कौन दे सकता है यूपीएससी एग्जाम? यूपीएससी देने के लिए एक कैंडिडेट कम से कम यूजीसी रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ग्रेजुएशन करने के बाद वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है, बैठ सकता है। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तो कहीं भी एग्जाम में बैठ सकता है, तो आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो तभी एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इसमें सभी को अलग अलग मौके हैं, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे एलिजिबिलिटी, जैसे यहाँ आपको बताया है कि आपको मिनिमम जो है ग्रेजुएट, इसके साथ ही अगर अलग अलग मौके किसको कितने मिलते हैं, हमारे यहाँ जो कैटेगरी जो रिजर्वेशन का जो दायरा डिजाइन किया गया है जनरल कैंडिडेट, तो जनरल कैंडिडेट को 21 से लेकर 32 के बीच 6 और 10 6 और वो ट्राई करते हैं। प्रिपरेशन हालांकि पहले शुरू करते हैं, आपको बताया इसका क्या है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे ओबीसी जो कैंडिडेट है वो 21 से लेकर 35 के बीच में उनको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, वो 9 बार ट्राई करते हैं। एस सी एस टी के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं 37। तो ये है कि आपको अलग अलग कैंडिडेट रिजर्वेशन के बीच जो उम्र है और अटेम्प्ट है वो थोड़े से ज्यादा हो। अब आइए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी आपकी मुख्य सिविल सर्विस एग्जाम के टारगेट के बच्चे करते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो उसके लिए टारगेट कर सकते हैं। बाकी जो भी और एग्जाम के बारे में आपने देखा वो हम उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर उसके लिए खास ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, खास स्टडी की जरूरत होती है जिसके लिए बस। लेकिन ये वो एग्जाम है जिसके लिए आप चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे वो बीए करके आया है या बीकॉम करके आया हुआ कैंडिडेट है या किसी भी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से जिससे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के स्तर का हो या ग्रेजुएट, वो एग्जाम में बैठ सकता है। इसमें जो एग्जाम है ये 24 अलग अलग कैटेगरी है जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, बहुत सारे बच्चे आईएएस जानते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप डीएम बनोगे, कलेक्टर बनते हैं, हालांकि पोस्टिंग आपके और पहले होती है। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस, आप एम्बेसी में जाते हैं। उसके साथ ही इंडियन पुलिस सर्विस, आप पुलिस डिपार्टमेंट के तौर पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हो। अकाउंट सर्विसेज में जाओगे आपके ऑडिट अकाउंट सर्विस जो होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप जीएसटी के स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंट में जाओगे, आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में जाएंगे आप।
डिफेंस है, अकाउंट है, डिफेंस अकाउंट है, रिवेन्यू इनकम टैक्स जैसे बताया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, पोस्टल सर्विसेज है, सिविल अकाउंट सर्विसेज है, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज आती है। ये देखेंगे इंडियन रेलवे सर्विस है, इंडियन रेलवे पोस्टल डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी है, इंडियन डिफेंस स्टेट है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, ट्रेड सर्विसेज है, ऐसे 24 और कुछ यूनियन टेरिटरी के बी ग्रेड जॉब्स में इंक्लूड करती है क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी यूपीएससी ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम कितने स्टेज पे होता है। ये जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आप जैसा कि देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है प्रीलिम्स में 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसको जनरल स्टडी 1 कहते हैं। जनरल स्टडी में आप ये सीखते हैं कि आपको 10th लेवल तक चीजें आपने पढ़ा है, 10th लेवल इसलिए आप समझ लो क्योंकि 10th लेवल तो हम सब कॉमन स्टडी थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा हमने इकोनॉमी पढ़ा है, थोड़ा जनरल साइंस भी पढ़ा है, एक समझ लो कि उसको बेस माना जाता है करंट अफेयर्स के बेस पर। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के मल्टीपल चॉइस है वो आपसे पूछे जाते हैं, फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए हैं तो 1 करेक्ट क्वेश्चन भी आपने इनकरेक्ट किया है। सेकेंड पेपर जो इसमें प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो 200 मार्क्स का है और इसमें 80 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं, रीजनिंग के हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ समय से ये पेपर जो है सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग नहीं कहने का ये मतलब है कि आपको इस पेपर में 1/3 33% मार्क्स लेके क्वालिफाई कर जाना है सेकेंड पेपर में। ऑफकोर्स पेपर के बेस पर आपकी रैंकिंग बनती है और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मेंस क्या है, मेंस जो है इसके इसकी क्वालिफाई करने के लिए पेपर नॉर्मली जो है मे से जून के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट फरवरी में फॉर्म आपका आ जाता है, जैसे इस वर्ष 2nd February को फॉर्म आने वाला है तो फरवरी में फॉर्म आ जाएगा और आप प्रीलिम्स एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद मेंस जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास मेंस होता है। अब इसमें जैसे पहला 4 पेपर लैंग्वेज टेस्ट किया जाता है, लैंग्वेज का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 20 लैंग्वेज है और उसमें से जैसे आपने हिंदी भी ले सकते हैं तो आप मराठी भी ले सकते हैं तो आप तमिल तेलुगू को भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो 8 होता है और इसमें आपको सिर्फ 25% मार्क्स ला के पास होना रहता है, 30 मार्क्स का एक पेपर है। सेकेंड इंग्लिश का होता है, ये भी 8th standard ही है, 300 मार्क्स का है, आपको 25% मार्क्स लेकर इसको भी क्वालिफाई करना है। अब बस आप ये समझिए कि ये लैंग्वेज का पेपर है, इसमें लिटरेचर मतलब लैंग्वेज मतलब आपको लैंग्वेज आती है, आप इंडियन टेरिटरी में काम करने वाला करना है तो कोई ना एक इंडियन लैंग्वेज आपको आनी। उसके साथ ही आप देखोगे अगला पेपर जो होता है वो एसए का एक पेपर होता है। एसए का मतलब 8 एसए किए जाते हैं, 2 एसए अभी नॉर्मली पूछे जा रहे हैं, 250 मार्क्स का होता है, मतलब आपके पास ऑप्शन 8 करने हैं। उसके बाद जो जीएस का पेपर आपने शुरू में पढ़ा था जनरल स्टडी का, उसमें कुछ और पेपर इंक्लूड करके 2-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इसमें पेपर आपके यहाँ पर पढ़ जाएंगे तो 4 पेपर एथिक्स का पेपर जाते हैं, इसके साथ ही इसमें कुछ एनवायरमेंट के पेपर, कल्चर के पेपर पढ़ जाते हैं, जाता है। ये सभी रिटर्न एग्जाम के आपके पूछे बाद में आपको एक ऑप्शनल देना है। ऑप्शन मतलब अभी तक के पेपर सभी के लिए कंपल्सरी, ऑप्शनल आपको एक लेना होगा। इसके 2 अलग अलग पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 250 मार्क्स के होंगे, एक ऑप्शन को करता है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप किसी पेपर को चूज करें जिससे आप ग्रेजुएट हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के पेपर को चूज कर सकते हैं, आप बायोलॉजी ले सकते हो, आप इकोनॉमी ले सकते हो, आप जो है ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप पॉलिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शनल पेपर चूज करने के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, हम करेंगे तो ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना चाहिए तो ध्यान में रखें, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये टोटल पेपर जो है 1750 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू 275 मार्क्स का, यहाँ ये इंटरव्यू दिल्ली में कंडक्ट होता है जो आपका लोक सेवा है वहाँ कंडक्ट किया जाता है। टोटल ग्रैंड टोटल आप देखोगे 202। अब यहाँ ग्रैंड टोटल लिखने का मतलब ये है कि यहाँ जो ये पेपर है आपका, ये इस पेपर में ये क्वालिफाइंग कहेंगे तो नहीं है, क्या मतलब ये कि इंटरव्यूअर आपको बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंटरव्यू दिया तो आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब मेरे कहने का आपको ये है, रिकॉर्डिंग समझिए कि जो आपका 1750 मार्क्स का एक रिटर्न जो पेपर इतना आप दे रहे हैं वो आपके हाथ में, बस
पर्सनैलिटी देते हैं तो उस एग्जाम को इंक्लूड करके आपकी रैंकिंग, मतलब आपके हाथ में ये समझ लीजिए कि चैप्टर से हाथ जो है रिटर्न आपके हाथ में। यूपीएससी में सिलेक्शन का प्रोसीजर इस तरह से बना रखता है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो नॉलेज टेस्ट कहा जाता है, मींस को एनालिटिकल टेस्ट कहते हैं, इंटरव्यू जो है वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट यानी पूरी तरह से आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और आप एक ऐसे मजे हुए ट्रेनिंग होगी लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में, तो अच्छी सुविधाएं आपको मिलती है, आपका जीवन बदल जाता है, तो आप इसको दे सकते हैं। और इसके लिए ही हमने बहुत सारी चीजें इनिशिएट करी है, ऑनलाइन जो है स्पीच करने का हमारा मोटिव ये है कि हम गांव गांव तक दूर दूर तक बच्चों तक जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं है हम उनको भी हेल्प करते हैं, जैसे बहुत सारी सुविधाएं जो है हम देते हैं। तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की क्लास के लिए, यूपीएससी की आईएएस की और इसके साथ बहुत सारे और भी एग्जाम की अगर आती है पहले ही आपको बताया था। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जो शुरू करना चाहते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन, उनको गाइडेंस बेसिक चाहिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो कॉल दे दीजिए, आप कॉल करो, इन दोनों ही नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको फॉलो करो, तो सब्सक्राइब करो और भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज वाले वीडियो देते रहेंगे।